कल हम जब चर्चा कर रहे थे तब बात हो रही थी निफ्टी का नवाब कल आईसीआईसीआई बैंक था, और यहाँ ब्रोकरेजेस का भी व्यू काफी तेजी वाला है। यहाँ अगर आप देखें तो आज गोल्डमन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई बैंक पे, इन्होंने लक्ष्य स्टॉक पे रखा है लगभग 830 रुपए का। गोल्डमन का मानना यह है कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत जबरदस्त तरीके से लोन ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी। लगभग 19 से 20% की लोन ग्रोथ आपको आगे चलते हुए देखने को मिल सकती है आईसीआईसीआई बैंक में। इसके अलावा कंपनी जो डिजिटल साइड पे काम कर रही है वो भी काफी जबरदस्त है। इनफैक्ट आगे चलते हुए आपको एक डिजिटल बैंक आईसीआईसीआई बैंक बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि काफी सारे इनिशिएटिव्स कंपनी ने यहाँ लिए हैं, और आगे चलते हुए आपको जो खराब लोन्स हैं वहां भी कमी आती हुई दिखाई देगी, और इसीलिए गोल्डमैन इस स्टॉक पे काफी बुलिश है। वही आईसीआईसीआई बैंक कल का आशीष, काफी सारी चीजें सुलझ सकती हैं ऐसा मार्केट का प्रॉब्ली एस्टिमेट है, लेकिन क्रेडिट स्वीस का जो रिपोर्ट आया है वो यील्ड्स को लेके है, कंपनी के ऑपरेशंस को लेके है। इन्होंने यहाँ आउट परफॉर्मर कॉल यानी खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट है 2700 रुपए। क्रेडिट स्वीस का मानना यह है कि इस क्वार्टर से आपको दिखेगा कि शायद काफी अच्छी तरीके से कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं और मुनाफा इस क्वार्टर में कंपनी दिखा सकती है। इनफैक्ट जो रिस्ट्रिक्शंस काफी सारे राज्य सरकारें हटा रही हैं वो कंपनी के लिए पॉजिटिव हैं। हालांकि ओमिक्रॉन वायरस के चलते थोड़ा बहुत आपको पैनिक देखने को मिला स्टॉक में, लेकिन क्रेडिट स्विस का मानना ये है कि जो क्रूड में गिरावट आई है और जो ओमिक्रॉन की बातें चल रही हैं कि शायद ये एक माइल्ड वेरियंट है डेल्टा वेरियंट के मुकाबले, तो शायद आपको ये स्टॉक में वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। और आगे चलते हुए आपको दिखेगा कि जो इंडस्ट्री के लोड फैक्टर हैं, जो पैसेंजर लोड फैक्टर हम कहते हैं, जिसके कारण कंपनी के मुनाफे ऊपर की तरफ एस्टिमेट किए जाते हैं, वो भी लगभग प्री कोविड लेवल के आसपास आ जाएंगे। तो क्रेडिट स्विस का मानना ये है कि एयरलाइन इंडस्ट्री यहाँ से काफी अच्छी तरीके से रिकवर कर सकती है। आशीष जी इतनी बिल्कुल शैल जी, अगर आप एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो पिछले 1 साल में केवल 1% का रिटर्न कंपनी ने दिया है, तो मायूसी तो जरूर है, क्योंकि बाजार का मानना है कि कोविड के चलते आपको यहाँ इंश्योरेंस क्लेम्स में बढ़ोतरी दिखेगी, जिससे कंपनी का नुकसान हो सकता है और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर्स में काफी क्लेम बढ़ सकते हैं। लेकिन जहां तक कि मॉर्गन स्टैनले का सवाल है, इनको इंश्योरेंस शेयर्स में काफी अच्छी तेजी लगती है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली ने जो मंथली डेटा आया है उस पे कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर की प्रीमियम कलेक्शन है वहां आपने लगभग 30% का कारोबार बढ़ते हुए देखा है इंडिविजुअल पॉलिसीज में, और पिछले 2 साल में आपने 9 से 10% की ग्रोथ देखी है। अगर आप टॉप पिक्स की बात करें तो यहाँ इनको लगता है एसबीआई लाइफ में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मार्केट शेयर में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ की भी ग्रोथ काफी बेहतरीन हुई है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से उनका प्रेफरेंस एसबीआई लाइफ की तरफ जाता है। और जहां तक कि आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का सवाल है, वहां इनको लगता है कि प्रदर्शन काफी फीका है, क्योंकि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी इस कंपनी से उससे कहीं वीक आई है। तो जहां तक कि क्रम का सवाल है, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू, इस क्रम में मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ साइड पे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। चलिए।